में लोग हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग हैं और सभी से टीवी 7 न्यूज़ की टीम सभी से लगातार सवाल कर रही है। मोदी जी ने बहुत बड़ी हमारे लिए खुशहाली की है, सबसे बड़ा तो निर्माण यह राम मंदिर होना चाहिए। तो ज्यादातर यही चाहती है कमाल भाई एक बार फिर यहाँ से विधायक बन के जाए। हमारे क्षेत्र का नेता है वो है कमाल अख्तर और हम उसे ही वोट करेंगे और उसके अलावा हम किसी को वोट करने के लिए जी वोट और सपोर्ट हमारी बीएसपी को रहती है। अच्छा बीएसपी को रहती है। चौधरी टीवी 7 न्यूज़ हिंदी और आज हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ये तहसील हसनपुर के कस्बा ढवारसी में मौजूद हैं हम। आज चुनावी चर्चा को लेके हम आए हैं यहाँ पे। टीवी 7 न्यूज़ की टीम आ चुकी है, वो जानना चाहेगी, वो पता करना चाहेंगे कि आज जो चुनाव का माहौल चल रहा है, जो 2022 विधानसभा है उसमें किसको पसंद करना चाह रहे हैं, किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं, किन मुद्दों पे सरकार चाहते हैं, किसे विधायक चाहते हैं अपना और किसे नहीं चाहते, इन सारी बातों को हम मद्देनज़र रखते हुए पूछना चाहते हैं लोगों से। यहाँ कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे आप किसकी सरकार चाहते हैं? जी अखिलेश यादव की। अच्छा क्यों, किन किस वजह से? जी विकास की वजह से। अच्छा क्या विकास कराया उन्होंने? जी इस विधानसभा में जो विकास है वो माननीय कमाल अख्तर जी का विकास है। अच्छा। और जैसे कि 12-13 इस विधानसभा में बिजली घर बनवाए, सड़कें बनवाई और काफ़ी विकास जो कराया उन्होंने, कमाल अख्तर जी ने विकास कराया। अच्छा इस बार जैसे समाजवादी पार्टी ने मुखिया गुर्जर जी को अपना प्रत्याशी बनाया है, प्रत्याशी घोषित किया है, तो ऐसी स्थिति में आप समाजवादी को पसंद करेंगे या कैंडिडेट का चेहरा देख के वोट करेंगे कि किस तरह क्या सोच रहेगी आपकी? जी अगर यहाँ से माननीय मंत्री जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम मंत्री जी के साथ हैं, अन्यथा हम कोई और अपनी नीति अपनाएंगे। अच्छा और लोग भी हमारे साथ हैं, ये हैं, क्या नाम है आपका? राकेश गिरी। अच्छा राकेश गिरी जी ये बताइए, अभी विधानसभा चुनाव 2022 चल रहा है, उसका आगाज हो चुका है, बिगुल बज चुका है यूपी के अंदर और 10 फरवरी को चुनाव भी होना है यहाँ पे, तो आप किसको वोट देंगे? महेंद्र सिंह खड़कवंशी। अच्छा वोट देंगे इस बार बीजेपी के लिए? अच्छा बीजेपी के लिए जी हाँ। क्या किन मुद्दों को लेके, किस बात को लेके? मुद्दा क्या ऐसा है, मोदी जी ने बहुत बड़ी हमारे लिए खुशहाली की है, सबसे बड़ा तो निर्माण यह राम मंदिर होना चाहिए अयोध्या के लिए। हम ब्राह्मण जाति से हैं, वैसे भी किसी जाति भी हो लेकिन हिंदुओं के लिए बढ़िया लाभदायक। अच्छा राम मंदिर अगर मोदी जी निर्माण नहीं करा नहीं बनवाते तो आप फिर भी वोट देते? बिल्कुल मोदी जी के लिए हैं साहब। ये ढवारसी का एक ऐसा मिला जुली यहाँ पे संख्या में लोग हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग हैं और सभी से टीवी 7 न्यूज़ की टीम सभी से लगातार सवाल कर रही है और चुनावी चर्चा कर रही है। इस बीच हमारे साथ में और भी कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। अच्छा भैया क्या नाम है आपका? जी पवन कुमार। जी वोट और सपोर्ट हमारी बीएसपी को रहती है। अच्छा बीएसपी को रहती है आपको, तो आप ये चाहते हैं कि बीएसपी सरकार बने इस बार उत्तर प्रदेश में? अच्छा किन मुद्दों को लेकर, क्या बात ऐसी लगती है आपको? जी बातें मतलब इस सरकार में ज़्यादातर योजनाएं तो काफ़ी चलाई हैं लेकिन योजना को चलते चलते रोजगार भी कम हुआ है। अच्छा आपके मतलब नज़र में विकास इतना नहीं हुआ? अच्छा आप परेशान? हाँ हम परेशान हैं, तो रोजगार से परेशान हैं जी, जो हमारा काम था वो ठप है तो हम परेशान ही रहेंगे, हम सिलाई के मुद्दे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ आप हम चाहते हैं? जी जी ठीक है। यूपी में कुछ युवा ऐसे भी हैं कि जो परिवर्तन चाहते हैं, यूपी के इस विधानसभा में भी परिवर्तन चाहते हैं, यहाँ ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ भाजपा सरकार चाहते हैं या समाजवादी सरकार चाहते हैं या कोई एक ही चेहरा ऐसा है कि जिसे वो लोग पसंद करते हैं या वोट करना चाहते हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ में हैं और मैं उनसे बात करूँगा कि क्या नाम है आपका? सजारुल। ये बताइए आप, विधानसभा चुनाव इस टाइम शुरू हो चुका है, पूरी तरह से प्रचार हो रहा है, हाँ। हर कोई अपने मुद्दों को लेके, अपनी बात को लेके, अपने कहीं ना कहीं विकास को लेके, सारी चीज़ों को लेके अलग अलग पसंद है, आपकी पसंद कौन है इस बार प्रत्याशी? जी हमारी पसंद जो हमारे क्षेत्र का नेता है वो है कमाल अख्तर और हम उसे ही वोट करेंगे और उसके अलावा हम किसी को वोट करने के नहीं। अच्छा कमाल अख्तर आपके क्षेत्र के नेता हैं लेकिन अभी वो तो लड़ नहीं रहे हैं तो किसे करेंगे वोट? तो हम फिर वोट ही नहीं डालने के। अच्छा नहीं आप वोट ही नहीं डालने के? अच्छा अच्छा जैसे समाजवादी से जैसे फिर उन्हें मुखिया गुर्जर को बनाया आपने प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने, तो आप मुखिया गुर्जर को वोट नहीं करेंगे? नहीं नहीं मुखिया गुर्जर को नहीं, नहीं हम नहीं करेंगे। आप भी मुखिया गुर्जर को नहीं करेंगे? मुखिया गुर्जर को नहीं करेंगे। आप मतलब समाजवादी से सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर समाजवादी का प्रत्याशी घोषित हो तो कमाल अख्तर हो? नहीं नहीं कमाल अख्तर नहीं, हमारे यहाँ का हो, लोकल का हो। अच्छा अच्छा ये चाहते हैं आपके मतलब लोकल नेता हो, चाहे वो कमाल अख्तर हो या दूसरे प्रत्याशी को? आप प्राथमिकता मतलब बाहरी को नहीं देंगे, अपने ही क्षेत्र के प्रत्याशी को देंगे? हाँ।
अच्छा अच्छा, चलिए अभी हम आगे भी सवाल पूछते रहेंगे। और हमारे साथ में ये हैं, मैं इनसे पूछूंगा, क्या नाम है आपका? हरी सिंह नाम मेरा। अच्छा हरी सिंह, किसको इस बार किसको जिता रहे हैं आप? हम तो साहब बीजेपी को जिताया, बीजेपी को देंगे सीधी। अच्छा, हां दोस्त से खुश है। अच्छा अच्छा, बीजेपी किसी का कुछ मुद्दा है, आपका क्या मुद्दा रहेगा? मैं कहना चाह रहा हूँ भाजपा सरकार रहनी चाहिए। अच्छा भाजपा सरकार रहनी चाहिए, अच्छा क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत फायदा किया है। अच्छा जैसे क्या क्या? जैसे हमारे यहाँ ढवारसी में और हरसनपुर से लेके ये रोड गिरवाई है, यानी सड़क गिरवाने के बाद क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी बार जीत गए तो सड़क जरूर गिरवाएंगे। कौन सी सड़क? ये वाली सड़क नहीं, तो ये तो डल रही है अभी भी। डल रही है मतलब वादा किया, विकास किया उन्होंने बहुत। अच्छा सड़क के अलावा कुछ और भी विकास किया है? हमारे लिए राशन किया है, राशन दिया है। राशन क्या होता हमारे जिले का ही, उसे जिताते हम तो। अब तो बेकार है महेंद्र एक योजना रहे, कोई दूसरा भी रहना चाहिए। और ये बाहर गए हाथी बारे और ये साइकिल बारे सब बाहर गए, बेकार ही है। अच्छा इसका विधानसभा का चुनाव शुरू हो चुका है पूरी तरह से, लोग प्रचार में सारे प्रत्याशी आ चुके हैं मैदान में, सब ये चाहते हैं कि हम जीत कर आएँ। आप किस बार, इस बार किसे जिता रहे हैं? महेंद्र सिंह खड़गवंशी, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा वो विधायक रह चुके हैं ना इस विधानसभा से? हाँ वर्तमान विधायक हैं। अच्छा क्यों जिताना चाहते हैं? वो लोकल के हैं और बाहर के हैं। अच्छा अच्छा, आपका भी यही मानना है कि वो लोकल के हैं, हमारे क्षेत्रीय हैं? भैया जी हम तो देखो योगी आदित्यनाथ की योजनाओं से और उनकी फैसिलिटी से, उनकी हर बात से संतुष्ट हैं। अच्छा योगी जी की हर फैसिलिटी से आप संतुष्ट हैं? आप योगी जी को इस बार फिर दोबारा से मुख्यमंत्री यूपी का देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं। अच्छा मोदी तो लड़ने नहीं, वो तो उसमें योगी को देंगे। अच्छा योगी को देंगे जी। हाँ योगी मोदी एक ही बात, तो आप भारतीय जनता पार्टी को देंगे जी वोट? महेंद्र सिंह विधायक को दोबारा विधायक देखना चाहते हैं? हाँ देख लेंगे एक बार, और जब दोबारा देखना चाह रहे हैं एक बार, टिकट मिल रहा है देखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे किस वजह से आप वोट देना चाहते हैं? वोट क्या हम महेंद्र जी को नहीं देना चाहते, हम तो अपनी योगी नहीं, अब तो महेंद्र जी को ही देना पड़ेगा, कोई और तो प्रत्याशी आएगा नहीं, तो प्रत्याशी नहीं तो मजबूरी देना हाँ। पड़ेगा। अच्छा किन मुद्दों को लेकर? मतलब ये है कि हम पार्टी को वोट दे रहे हैं बीजेपी। अच्छा, बीजेपी को पार्टी। आप महेंद्र सिंह को नहीं लेंगे? नहीं नहीं उन्हें नहीं चाहते? नहीं। अच्छा क्या क्या नाम है आपका? मोहम्मद सालिम। अच्छा मोहम्मद सालिम, आप ये बताइए 2022 का चुनाव शुरू हो चुका है, अब इस 2022 में समाजवादी ने, बसपा ने, भाजपा ने, सभी पार्टियों ने, अपने कांग्रेस ने, सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, उतार दिए हैं चुनाव मैदान में, आप किसको वोट करेंगे? हम तो अगर कमल अख्तर अगर टिकट मिलता है तो सपोर्ट करेंगे, वरना सपा को वोट नहीं देंगे। अच्छा अगर कमल अख्तर को तो अभी तो उन्हें है नहीं, अभी तो वो कांट में है, किसी को टिकट दे सकते हैं हम। अच्छा, अच्छा। जो हमें अच्छा लगेगा, बसपा हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, अगर समाजवादी अगर कमल अख्तर को वोट टिकट देती है तो हम समाजवादी को वोट देंगे, फिर हम नहीं देंगे समाजवादी को वोट। समाजवादी पार्टी को वोट देंगे या नहीं? नहीं मंत्री के जरिए देंगे हम तो वोट, मंत्री अगर आता है तो देंगे, ना देने के नहीं। अगर मंत्री जी मुखिया गुजर के लिए वोट मांगेंगे तो देंगे या जो है नहीं देंगे? ना तो फिर तो हमारा मन रह गया, मैं बताऊँगा। अच्छा अगर मंत्री जी का टिकट नहीं होता है, कमल अख्तर साहब का यहाँ टिकट नहीं होता है तो आप वोट नहीं देंगे समाजवादी पार्टी को? अच्छा फिर किसे देंगे? कांग्रेस को दे देंगे, बसपा को दे देंगे। उसके बाद में आपकी अगर समाजवादी पार्टी को आप नहीं देंगे वोट तो प्राथमिकता, जो दूसरी प्राथमिकता है आपकी वो कांग्रेस है? हाँ कांग्रेस को दे देंगे। अच्छा कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है? अच्छा अभी नहीं करा? ना अभी ना करा कोई भी। ये और ये भी हमारे का साथ कुछ नौजवान साथी हैं, और युवा पीढ़ी की चुनाव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, सबसे ज़्यादा मतलब देखना ये होता है कि युवा पीढ़ी के मन में क्या है। अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक आसिफ है। अच्छा मलिक आसिफ जी ये बताइए कि विधानसभा 2022 शुरू हो चुका है, इस बार आप आपकी पसंद कौन रहेगा, किसे आप जिताने वाले हैं, किसकी सरकार चाहते हैं प्रदेश में, और विधानसभा 42 में किसको आप विधायक देखना चाहते हैं? सर हम तो कमल अख्तर साहब को सपोर्ट करते हैं और करते आए हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन सरकार समाजवादी चाहते हैं, और अभी तो टिकट ही क्लियर नहीं होकर दे रहे, कभी कोई आ जाता कभी कोई आ जाता, लेकिन पूर्व विधानसभा तो ज़्यादातर यही चाहती है कि कमल भाई एक बार फिर यहाँ से विधायक बन के जाएँ, बाकी जो पार्टी अब जिसको भेजती है जो लड़ने लेती है वह उसको लड़ाया जाएगा। अच्छा बहुत, लेकिन विकास तो योगी जी ने भी कराया है। कहाँ विकास कहाँ दिख रहा है, सड़कें बन रही हैं आपकी, उझारी से लेके और गजरोला तक सड़क बनाई है, संभल से गजरोला तक, बाकी तो पूरा क्षेत्र पिछड़ेगा, पूरे क्षेत्र में बाकी तो सब ऐसे ही पड़ा है। कहाँ ये समाजवादी? अच्छा समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं वो मुखिया गुजर हैं, उनको सपोर्ट करने वाले हैं आप, उनको वोट करेंगे? मतलब आपका मतलब ये है कि कोई भी कैंडिडेट हो,
आपको इस चीज़ से मतलब नहीं है, आप वोट समाजवादी को ही देने वाले हैं। अच्छा, वो समाजवादी की सरकार चाहते हैं? जी जी, समाजवादी।